हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक फिट होंगे, फाइन होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, नीट 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हो और उसके बाद एमसीसी की ऑफिशियल साइट पर एमबीबीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो, उससे पहले जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि नीट की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम इजी वे में एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकें और हमको एक ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज जो हमारा है वो मिल सके। तो फटाफट हम देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। इसके अलावा क्या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, जैसे कि नीट के सेकेंड फेज में उसका डिस्कस हुआ था, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग के समय। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपके नीट के काउंसलिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान है, यहाँ पर हम एमबीबीएस एडमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस की काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग के लिए। अब देखिए, आप देख रहे हैं पहला डॉक्यूमेंट्स होता है वो आता है आपका नीट का स्कोर कार्ड, यानी आप नीट एग्जाम दिया था तो अभी जब रिजल्ट आएगा तो आपका एक स्कोर कार्ड बनेगा, वो आपका स्कोर कितना है। इसके अलावा आपके पास नीट का एडमिट कार्ड जो कि अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर कॉलेज में जमा हो गया था तो। इसके अलावा आपके पास 10th किट और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपको मिलते हैं कॉलेज से वो होने चाहिए, ठीक है ना। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स नियर अबाउट 16 होनी चाहिए और जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। बिकॉज अभी क्या है ना कि बहुत से बच्चे हैं जो जनरल से हैं या एससी एसटी हैं या ओबीसी हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलता है, तो ऐसे बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट का होना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और ना ही कोई अदर डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि आपको एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स क्या होता है कि आपको आपके स्टेट में वरीयता दी जाती है और स्टेट क्योंकि होता है ना 85% सीटों में आपको एमबीबीएस मिलता है, तो आप अपने स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी काउंसलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके नीट की काउंसलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।